गाइस कैसे हैं आप लोग। हमारे तरफ से आप सभी लोगों के लिए जय हिंद। मैं अब्दुल कादिर एक बार फिर से आ चुका हूं। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आज मैं बनाने वाला हूं जो ब्लॉग, वो है हॉन्टेड हाउस का ब्लॉग बनाने वाला हूं। तो लोगों का कहना है कि वहां पे होती रहती है एक्टिविटीज़, तो चलिए मैं देखता हूँ। मैं अभी उस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो हॉन्टेड हाउस है, और वो हॉन्टेड हाउस जंगल के बीचों बीच है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उस हाउस के बारे में जानकारी देता हूँ। कहना है कि वहाँ पे अजीब सा आवाज़, अजीब सा साउंड सुनाई देता है। तो चलिए मैं उस जगह पे आपको लेके चलता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं उस लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। तो चलिए उस लोकेशन पे पहुँच के मैं आपको ये सारा बात बताता हूँ। मैं उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। यहां से बस 100 मीटर की दूरी पे वो हॉन्टेड हाउस है। तो चलिए मैं इस जंगल में दिखाता हूं। लोगों का कहना है कि 100-200 मीटर के दायरे में, अगर जो रात में 12 के बीच 1 बजे के लमसम में आदमी कोई आता है, तो वो लोगों को परेशान कर दिया है। क्या है पता नहीं, अदृश्य शक्ति है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सारा जंगल घुमाता हूँ, उसके बाद मैं हॉन्टेड हाउस दिखाऊँगा। ये बीच का रास्ता दिया हुआ है, तो सीधे में जाके मिलता है हॉन्टेड हाउस पे। तो चलिए गाइज, मैं उस हॉन्टेड हाउस के पास अब पहुंचने ही वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। कोई सा भी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए तो मैं आप लोगों को उस हॉन्टेड हाउस के पास लेके चलता हूं। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कुछ भी दिखे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो गाइस, ऐसा है कि हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, वो हॉन्टेड हाउस पे अंदर घुस चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमें इसलिए धीरे बोलना पड़ रहा है कि यहाँ पे जंगल है घना, और यहाँ पे चारों तरफ प्रशासन घूमता है। तो हम लोग चोरी से घुसे अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग कि क्या हाल है इस घर का। तो आइए मैं आपको अंदर का सही दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये इस तरह से हॉन्टेड हाउस वो वाला लाइट में है। इस तरीके से लगता है अंदर से देखने में। तो गाइस देख रहे हैं पूरा वीरान सा है, और
यही है ये हॉन्टेड हाउस का किचन। तो आप लोग देख सकते हैं, नजरे जमाए रखे पूरा व्यू लेना, देख सकते हैं कि पुराने ज़माने का जो घर बनता था वही घर है गाइस। तो वो चारों तरफ घना जंगली जंगल है। हम लोग प्रशासन से बचते बचाते यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोगों के लिए। वो जो रूम देख रहे हो आप, वो रूम का छत गायब है। ताकि मैं अंदर जाऊँगा शूट करने तो हमारा लाइट जो है ना बाहर जाएगा, फोकस करेगा तो प्रशासन को पता चल सकता है, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो भाई आप इसी रूम का व्यू देख सकते, इसी रूम का तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये घर बाहर से देखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा, तो गाइस मैं अगला इंट्रो यहाँ से निकलने के बाद देखता हूँ, क्योंकि प्रशासन में किसी भी टाइम आ सकता है। इसके लिए गाइस मैं बाद में अपना इंट्रो देता हूँ, यहाँ से चल जाऊँगा उसके बाद कितने बात है। तो गाइस हम ऑलरेडी हम लोग लोकेशन से बाहर आ चुके हैं। तो सीन ऐसा हो गया था कि हम लोग को छुपते छुपाते वहाँ जाना पड़ा, क्यों प्रशासन था और देख लेने के बाद सीन हो सकता था। इसके लिए गाइस हम लोग को वहाँ से थोड़ा सा ही स्किप लेना पड़ा, प्रशासन से छुप के वहाँ पे जाना पड़ा। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।